आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। मिशन शक्ति के तहत हरिवर्मा थाने पर खोले गए महिला हेल्प डेस्क का योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण कर रहे थे, उस समय थाने पर फरियाद लेकर महिलाएं पहुंच गईं। लोकार्पण के दौरान अधिकारी मौजूद होने के कारण पुलिसकर्मी अलग जाकर अपने स्तर से कार्रवाई का आश्वासन देकर समझाने का प्रयास में जुट गए। थाना हरिपर्वत पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खोली गई महिला हेल्प डेस्क का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण कर रहे थे। उसी समय पीड़ित महिलाएं अपनी समस्या लेकर पहुंच गईं। अधिकांश महिलाएं घरेलू विवाह से परेशान होकर अधिकारियों से दुखड़ा रोने पहुंची। मामला ये है कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे शुरू से बहुत दुख दिए, मार पीट, दहेज के लिए प्रताड़ित करना, पूरी जिंदगी मेरी लड़ते ही चली गई। विकलांग बच्चा है, उसके भरण पोषण का 2009 से उसमें जो जजमेंट हुआ, आज दिन तक कभी कुछ नहीं, जेल जाके लौट जा देते हैं, अधिकारी मूर्ख बनाते रहते हैं, कुछ भी नहीं सुनवाई होती। अब दूसरी शादी भी कर ली जिसके के प्रूफ मेरे पास में, उस पर भी मुकदमा कायम नहीं कर रहे हैं। यहाँ भागो वहाँ भागो, बच्चे का कहाँ से पालन पोषण कर पाऊँ मैं। कुछ भी कहीं कुछ नहीं है भाई साहब, ऐसे ही करते, वहाँ से वहाँ कहते, वहाँ जाइए, वहाँ से वहाँ जाइए, इस तरह परेशान करते रहते हैं। न्यूआगरा क्षेत्र की रहने वाली रूपा का कहना था कि उसके पति ने उसे छोड़कर दूसरी शादी कर ली है। बिना तलाक के शादी कर चंदपा हाथरस रह रहा है। इस संबंध में पुलिस से शिकायत की है, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही। रूपा विकलांग लड़के के साथ रह रही है। हरिपर्वत थाने पर एक सब इंस्पेक्टर ने रूपा की एप्लीकेशन देखी और कार्यवाही का भरोसा दिया। सर, मेरे पति ने 4-4 बीवियाँ कर रखी हैं, मैं उसकी वजह से इतनी परेशान हो गई हूँ। मैं सिर्फ अपने आप को और अपने बच्चों को आत्महत्या करना चाहती हूँ, बस। मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं दुखी हो गई हूँ। सब जगह भागते भागते मैं इतनी परेशान हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने अभी उसको पकड़वा दिया था, उसके बावजूद उसने राजीनामा लिख के दिया थाने में। अब मैं जाती हूँ थाने तो कह दिया जाता है मुझसे कि हम तुम्हारे लिए ही बैठे हैं, और कोई काम नहीं है पुलिस के पास। अब बताइए, जवान जवान लड़कियों को लेकर मैं कहाँ जाऊँ, सिवाय मेरे को मरने के और कोई चारा नहीं है मेरे पास। 10 महीने का किराया चढ़ा हुआ है, बिजली का बिल चढ़ा हुआ है, खाने के लिए कोई दे जाए तो बच्चे खा लेते हैं, वरना कुछ नहीं है मेरे। हाँ जी, किराए पे रहती हूँ मैं। इसी तरह सेक्टर 8 जगदीशपुरा की रहने वाली विनीता अपनी पीड़ा लेकर पहुंची। विनीता को छोड़कर पति हरि बाबू ने एक एक कर 4 शादी कर ली हैं। विनीता का कहना है कि वह बोदला पर एक बेटा और 2 बेटियों के साथ किराए पर कमरा लेकर रह रही है। पति भरण पोषण के लिए पैसे भी नहीं दे रहा, इसी वजह से परेशानी हो रही है। महिला हेल्प डेस्क के लोकार्पण के दौरान कई महिलाएं अधिकारियों के पास दुखड़ा रोने के लिए पहुंची। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।